आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड कीजिए इंडियन टीवी न्यूज का एंड्रॉइड एप्लीकेशन, साथ ही विजिट करें हमारी साइट indiantvnews.in पर। नमस्कार, मैं हूं विदुषी और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। गंज बासोदा बाढ़ के पानी से नदी नाले हुए एक भारी वर्षा के कारण बाढ़ का पानी घरों में घुसा, गली गली मोहल्लों में आया पाराशरी नदी का पानी। पचमा बाईपास पुलिया डूबी रही, सिंधी कॉलोनी पंचपीर लाल पठार बेदनखेड़ी टपारिया पर बना विद्युत विभाग का 33 केवी सब स्टेशन भी डूब गया, जिसमें काफी देर तक बिजली सप्लाई में भी परेशानी झेल रहे थे लोग। और पुराना बस स्टैंड के पीछे लोगों को रेस्क्यू कर नगर पालिका के कर्मचारी भी करते दिखाई दिए, जिसमें कंधे पर लाद लाद कर कई लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं, जिसमें बुजुर्ग महिला को घर से सुरक्षित जगह पर लाते नगर पालिका के कर्मचारी दिखाई दिए। मोतिया छोरे का पानी घरों में घुसने से कई मकान पूरे डूबे हुए दिखाई दिए, काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। अवैध कब्जे करने से पानी पूरी तरह से निकल नहीं पाता, जिसमें नई बस्ती वार्ड नंबर 6 लड्डा एजेंसी काली चार खंबा गली केशव वाटिका गली सुभाष निकेतन गली बरेट रोड भावसार पुलिया नाले पर अवैध कब्जा होने के कारण पानी रुक जाता है, निकल नहीं पाता, जिससे काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तहसील ब्यूरो रिपोर्टर हैरी, फोटो इंडियन टीवी न्यूज, गंज। इसी तरह की देश दुनिया और अपने आसपास की हर खबर और खबर के असर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस खबर को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज पूरे देश में अपने रिपोर्टर्स नियुक्त कर रहा है। अभी हमारे साथ पूरे भारत में 200 से ज्यादा रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जिला और मोबाइल नंबर लिखिए, हम आपको कॉल कर सारी जानकारी देंगे, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंडियन टीवी न्यूज एक नेशनल डिजिटल न्यूज चैनल है, पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपने आसपास फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए और देश सेवा में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।